आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, ये आ रही है सिग्मा कंपनी की तरफ से। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, सिग्मा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कंपनी रहने वाली है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जैसे मेटल कास्टिंग, यहाँ पर ये सभी जो आप लोगों के रहते हैं। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट क्या किया जाता है यहाँ पर, इस कंपनी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताई गई हैं। ये काफ़ी सारे जो आप लोग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है, मतलब जो आप लोगों के यहाँ पर सामान होता है उसको असेंबल करने का काम करती है ये कंपनी। जैसे आप लोग के मेटल एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट पार्ट्स जो होते हैं उनको असेंबल करती है। साथ ही गाइस ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, यहाँ जो है आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सभी के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप सभी का यहाँ पर गाइस वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। अब यहाँ कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को पहले ही डिस्कस कर दूंगी, जिससे कि जो स्टूडेंट हमारे एलिजिबल हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करें और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेनली मैं यहाँ पर बात बता दूँ कि गाइस यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया आप लोग कहीं से भी हैं, कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 से लेकर 2 ईयर तक का तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि गाइस 1 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन गाइज, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर ब्रांच देखिए, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, या फिर आप लोगों के यहाँ पर CS है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑल ब्रांच आप सभी की एलिजिबल हैं। तो गाइज आप सभी इसलिए इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू यहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग वगैरह मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। सबसे पहले देखिए गाइज यहाँ पर एक और आप लोग की ग्रेजुएशन वाले भी ये रिक्वायर्ड हैं। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपने क्या किया है, बी एस सी किया है ग्रेजुएशन में, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर जो हमारे 18 मतलब बैच कौन कौन सा एलिजिबल है, देखिए बैच है हमारा 18, और अगर आप 19 बैच से हैं, 19 या फिर 20 और 21 ये बैच वाले, तो आप लोग जो है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू अटेंड किया करें, क्योंकि गाइस ऑफलाइन इंटरव्यू में आप सभी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स रहते हैं। अब यहाँ आप लोग जो 2022 वाले कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मेन मैं बता दूँ, देखिए गाइस जो हमारे BE BTECH कैंडिडेट हैं उनके लिए, BE है या फिर यहाँ पर BTECH किया हुआ है, तो गाइज़ वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है, तो बेसिकली वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए सर गाइज मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, और साथ ही यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ जो मेल कैंडिडेट है सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकती। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरी वैकेंसी यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो गाइज जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। गाइज अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड ये ऑप्शन दिया गया है, इससे आप लोग का प्रॉफिट ये होगा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आप लोगों का जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन, जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा HR के पास, तो लगेगा कि ज़्यादा स्टूडेंट कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है वो आप लोग का इंटरव्यू जो है ऑनलाइन भी यहाँ पर कंडक्ट करा ले, तो ये आप लोग का बेसिकली प्रॉफिट रहेगा। बट ये बेसिकली जो है मेनली टोटली ऑफलाइन इंटरव्यू है यहाँ पर, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग की आप लोग की जॉब रहेगी, काफ़ी अच्छी है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 0 to 2 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे। लोकेशन पुणे की दी गई है, और कहाँ जाना होगा तो आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लोकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी गूगल मैप में। उसके बाद देखिए इंटरव्यू आप लोग का कब से स्टार्ट होगा, 8 जून से स्टार्ट होगा, 8, 9, 10 3 दिन आप लोग का इंटरव्यू चलेगा, 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। बाकी इंटरव्यू की डेट यहाँ पर जो है लोकेशन भी दी गई है, और लोकेशन किस तरीके से, जैसे देखिए आप लोग को यहाँ पर दिया गया सिग्मा इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड आप लोग को दी गई है, पुणे महाराष्ट्र की यहाँ पर लोकेशन है, 100 ओपनिंग्स दी गई हैं गाइस, 100 ओपनिंग्स के लिए आप सभी यहाँ पर अप्लाई करें। और यहाँ पर जो जेंडर है हमारा, जेंडर और एज लिमिट, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 आप लोग की मिनिमम एज है, मैक्सिमम यहाँ पर 24 रखी गई है, 5 जून आप लोगों की यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा है, BSc है फुल टाइम, 18, 19, 20, 21, 22 के पास आउट है तो बिल्कुल एलिजिबल है।
फ्रेशर एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए। साथ ही गाइस जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें क्या क्या वर्क रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोग को जाना होगा, DET की पोजिशन के लिए अप्लाई करना है, लोकेशन पुणे है, रिक्वायर्ड यहाँ पर रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मेनली बताई गई हैं। और ब्रांच देखिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मेटलॉजी, टूल्स एंड डाई, BE BTech, यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए तो ये वैकेंसी नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही, जिससे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कर भी रहे हैं तो आप लोग की जो क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक करके स्किप कर सकते हैं। एड्रेस दिया गया है जहाँ आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू होगा, ये एड्रेस है, ठीक है। अप्लाई करने की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगी, तो जिससे कि आप सभी वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। जो हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो देखिए अटेंड करें इंटरव्यू को, और साथ में आप लोग यहाँ जो है अपना सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ये मेन वेबसाइट है, और अपना जो है जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सबसे ज़्यादा मेन होती है, ये सभी ज़रूर लेकर जाएं। या आपका जो रोल रहेगा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रहेगा, इंडस्ट्री टाइप रहेगा, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, डिप्लोमा एनी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों की ब्रांच है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अब देखिए एक कंपनी है तो कंपनी में 100 यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, तो गाइस आप सभी जानते हैं कि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, तो आप सभी के जो जितने भी अलग अलग जो ब्रांच से हैं तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका दोनों तरीके से गाइस मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी आप लोग ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जाएं, क्योंकि ये टोटली ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है, बट 2022 वाले कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन यहाँ पर करेंगे, जिससे कि उनको प्रॉफिट ये होगा HR को कि उनको एक अंदाज़ा रहेगा कि हाँ 2022 वाले कैंडिडेट इतने सारे हमारे एलिजिबल रहेंगे, तो जो HR हैं वो न्यू वैकेंसी आपके लिए कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये काफ़ी बार होता है इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।